Hello guys, welcome back. This is me Sukanya, welcoming you to my channel Sukanya's Recipe. I hope each one of you is doing good. Today being 21st July, this is my birthday today, and so I'm going to treat myself with my favorite pizza. अब पिज़्ज़ा के लिए जो एक्चुअल सामान लगते हैं वो तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं आज एक नॉर्मल इंस्टेंट और डिलीशियस पैन केक पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ खुद के लिए. बहुत ही इजी रेसिपी है, इंस्टेंट बन जाता है क्योंकि हम ये रेगुलर घर के सामान से बनाने वाले हैं. रेगुलर घर का इंग्रेडिएंट्स और कुछ भी बाहर से खरीदने वाले नहीं है, इसीलिए आप ये रेसिपी एंड तक देखिए. और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ. अब पैनकेक का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक अंडा फोल्ड कर लिया है. इसी के साथ मैं एक लूप वार्म मिल्क 1 कप ले रही हूँ. हल्का गर्म है ये. अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून जो है नमक ले रही हूँ, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून चीनी. इन सारी चीजों को भी हम अच्छे से मिला लेंगे. अब इस बैटर में मैं 1 कप मैदा ले रही हूं, 1 कप मैदा डाल दूंगी और उसी के साथ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर. बस अब इस बैटर को हमें अच्छे से मिला लेना है. यहां मैंने एक लम्स फ्री बैटर पैनकेक के लिए तैयार कर दिया. अब मैंने यहाँ पे एक पैन है गरम कर लिया है और थोड़ा सा तेल जो है उसमें स्प्रेड कर लिया है. अब इसमें हमें ये जो बैटर हमने तैयार किया था पैनकेक का, उसका मैं यहाँ पे करीबन आप 1/2 कप या 1/3 कप जो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा आप वैसे इसमें डाल दीजिए. यहाँ पे आधा मिनट से थोड़ा ऊपर हो चुका है, इसे हम फ्लिप कर देते हैं. परफेक्ट. अभी हमें यहाँ पे जो है फ्लेम बंद कर देना है क्योंकि हम इसमें अभी टॉपिंग्स करेंगे. तो टॉपिंग्स एक बार जब हमारा हो जाएगा उसके बाद हमें गैस का फ्लेम ऑन करना है. अब टॉपिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे एक टमेटो केचप लिया है. जी हाँ, पिज्जा सॉस मैं यूज नहीं कर रही हूँ, मैं रेगुलर टमेटो केचप यूज कर रही हूँ जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल रहता है. आपको जितना चाहिए आप उतना डाल ले और अच्छे से उसे स्प्रेड कर ले. अब इसके ऊपर जो भी वेजीज या जो भी टॉपिंग्स आपको करने होंगे, वेज नॉन वेज जो भी आपको करना होगा वो टॉपिंग्स आप इसमें रख दे. मैं आज सिंपल टमेटो और अनियन का टॉपिंग डालने वाली हूं. आप वेज नॉन वेज जो भी प्रेफर करना चाहो, आपके पसंद का आपको जो भी टॉपिंग्स डालना है आपको डाल सकते हो. अब इस पे हम चीज जो है कोई मोज़रेला चीज या ऐसा कुछ यूज नहीं करने वाले, मैं रेगुलर यहाँ पे अमूल का क्यूब यूज कर रही हूं. और चलिए इसके ऊपर ये ग्रेट कर डालते हैं. ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे चीज जो है स्प्रेड कर लिया है. अब मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑरिगेनो है, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इसे कंप्लीटली स्किप कर सकते हो. और चिली फ्लेक्स मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें. अब हमें गैस का फ्लेम जो है ऑन कर देना है और इसे लो मीडियम पे आप 5 से 6 मिनट जो है पकने लें. अब यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, मैंने फ्लेम जो है कंप्लीटली लो पे रखा था. अब चेक कर लेते हैं हम. वाव, बट आपने देखा कितने मिनिमम इंग्रेडिएंट्स से हमने ये तैयार किया है इसे, और रेगुलर घर के मसालों से, आई मीन घर के रेगुलर इंग्रेडिएंट्स से. और जो बैटर हमने तैयार किया था उस बैटर से आप लगभग आराम से 3 पैनकेक तो आराम से बना सकते हो. ये हमारा डिलीशियस होममेड पैनकेक पिज्जा यहाँ पे तैयार है. आप देख सकते हो कितना यम्मी दिख रहा है ये. अब प्लीज इसे डेफिनेटली ट्राई दे क्योंकि सभी को पसंद आने वाला है, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट. आइए आपको मैं इसे कट कर दिखाती हूँ.
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूले ऐसे ही मजेदार रेसिपीज के लिए। बहुत जल्द मिलूंगी मैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।